अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मोहम्मद बिलाल टिप्स एंड ट्रिक्स। आज मैं आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ वो वर्डप्रेस के हवाले से है कि हम वर्डप्रेस पे अगर हम फ्री थीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने उसका फुटर को कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पे जो है मुख्तलिफ जो फ्री थीम होते हैं वहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शनों मौजूद होती है। जब आप कस्टमाइज में जाते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन मौजूद होती है, जस्ट आप टेक्स्ट चेंज करते हैं तो वहाँ पे वो फुटर चेंज हो जाता है। तो बज़ दफ़ा ऐसे थीम होते हैं जिनमें फुटर चेंज नहीं होता, तो हम उसका फुटर कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे हम, क्योंकि हमने जो थीम इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पे अपीयरेंस में जाएंगे। तो यहाँ पे थीम फाइल एडिटर में जाने के बाद यहाँ पे आप, सॉरी, हमने जाना है कस्टमाइज में। कस्टमाइज में जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे फुटर चेंज करने की ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे वैसे तो अगर आपका मतलब फ्री थीम है तो आप यहाँ से सबसे पहले जो ऑप्शन है यहाँ पे, अब आके यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सारी ऑप्शन हेडर फुटर मतलब कि आपके जो जो चीज़ें हो यहाँ पे साइड बार हर चीज़ यहाँ पे मेन्यू हर चीज़ यहाँ पे मौजूद होगी। तो यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे ये फुटर है, हम फुटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें फुटर विजिट्स यहाँ पे। अब ये देखें वैसे अगर आपका फ्री थीम है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ना होने की वजह से अब हम अगर वैसे अगर कोई फ्री थीम है तो वहाँ यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये भी फ्री थीम है लेकिन बस थीम की आप जो है ना फुटर यहाँ से चेंज वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं देता। तो अब हमने इसका फुटर कैसे चेंज करना है, यहाँ पे आप सारी ऑप्शन देख लें। ये स्टाइल है, स्टाइल में यहाँ पे ये देखें यहाँ पे भी मौजूद नहीं है ये ऑप्शन। यहाँ पे आगे मीडिया में जाएंगे, मीडिया में भी यहाँ पे भी देखें ऑप्शन नहीं है। एलिमेंट में जाएंगे, ये देखें यहाँ पे भी नहीं है। रिस्पॉन्सिव में अब यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है फुटर। हम यहाँ पे ये देखें ये फुटर जो हमने थीम इस्तेमाल किया उसका लगा हुआ है कॉपीराइट 2003 बूसा कॉमर्स शॉप पावर्ड बाय वर्डप्रेस। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, तो सिंपल हमने यहाँ पे इसको क्लोज करना है। हमने जाना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद हमने यहाँ पे जाना है प्लगइन में। प्लगइन में जाने के बाद यहाँ पे हमने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने लिखना है रिमूव फुटर क्रेडिट, ये हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये देखें ये टॉप पे जो है ना यहाँ पे आपने इसको, ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है तो यहाँ पे हमने इसको सिंपल क्या कर लेना है, एक्टिवेट एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे टूल में। टूल में यहाँ पे ये देखें रिमूव फुटर क्रेडिट, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सामने हमारे सामने यहाँ पे ये शो हो जाएगा कोड, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सिंपल ये, अब हम जाएंगे जो वेबसाइट है, वेबसाइट में जाने के बाद हमने क्या प्रेस करना है, कंट्रोल यू। कंट्रोल यू के करने के बाद आपका व्यू सोर्स जो है मतलब कि आपकी वेबसाइट की जितनी कोडिंग है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, कंट्रोल एफ फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है कॉपीराइट, कॉपीराइट सर्च करना है। तो यहाँ पे ये देखें एक ये कॉपीराइट है और एक यहाँ पे ये कॉपीराइट है। तो यहाँ पे अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने इसको फ्रेश करना है। सॉरी, यहाँ पे जो है ना वो ऑलरेडी मैंने पहले चेंज किया हुआ था लेकिन यहाँ पे अब हमने इसको क्या करना है, फ्रेश करना है। तो यहाँ पे हम इसको फ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें वही जो आपका लिखा आ रहा है नीचे फुटर कॉपी राइट 2003 बूसा कॉमर्स शॉप, यहाँ पे यहाँ से आपने जस्ट इसको करना है कॉपी सारे को, कंट्रोल सी यहाँ पे कर देना है आपने, कंट्रोल वी सेम इसी तरह यहाँ पे भी आपने कंट्रोल वी कर देना है। अब यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है कॉपी राइट, यहाँ पे आपने अपनी शॉप का नाम डाल देना है जो आपकी वेबसाइट का नाम है, इन्फोग्राफी शॉप
पावर्ड बाय हाइपरलिंक। यहाँ पे आप, यहाँ पे जो वर्डप्रेस का दिया हुआ है, यहाँ पे आपने सिंपल अपना कर लेना है, इन्फोग्राफी डॉट शॉप। यहाँ पे अब आपने टारगेट ब्लैंक जो है वो क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने वर्डप्रेस पे किया हुआ था, आपने टारगेट करना है इन्फोग्राफी, ठीक है। ये लिंक इस पे अप्लाई होगा, यहाँ पे हमने इन्फोग्राफी, तो यहाँ से अप्लाई करके यहाँ पे सिंपल हमने इसको कर देना है सेव। जैसे ही हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे, यहाँ पे इसको फ्रेश करेंगे अपनी वेबसाइट को, फ्रेश करने के बाद हम नीचे जाएंगे फुटर पे, तो ये देखें यहाँ पे उसने चेंज कर दिया है, कॉपीराइट 2003 इन्फोग्राफी शॉप पावर्ड बाय इन्फोग्राफी। अब यहाँ पे लिंक भी इन्फोग्राफी का, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो ऑलरेडी उसको ले जाएगा इन्फोग्राफी डॉट शॉप पे। तो ये था तरीकाकार, अगर आपका, अगर कस्टमाइज में ऑप्शन नहीं दे रहा फुटर चेंज करने की, तो आप इस तरह अपनी वेबसाइट का फ्री थीम में फुटर चेंज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें, और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल मोहम्मद बिलाल टिप्स एंड ट्रिक्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।